हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर पंकज पारिक, डिपार्टमेंट ऑफ EAFM, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू। स्टूडेंट्स, हम लोग आपकी EAFM की सेकेंड बुक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल बस्टिंग का चैप्टर पढ़ रहे थे। कैपिटल बस्टिंग में हम लोगों ने पे बैक पीरियड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड पढ़े और इनके क्वेश्चंस भी हमने किए। इसी क्रम में आज मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं और ये क्वेश्चन अनइक्वल कैश इनफ्लो का है और अनइक्वल कैश इनफ्लो में हमें पे बैक पीरियड निकालना है। देखिए, इस क्वेश्चन में सवाल में आपको इनिशियल कॉस्ट दे रहा है 80,000, मतलब प्रोजेक्ट की जो लागत है परियोजना की वो है 80,000, 80,000, और आपको जो कैश इनफ्लो दे रहा है उसके लिए आपसे कह रहा है फर्स्ट 5 ईयर्स 14,000 रुपीज पर ईयर। इट मींस पहले 5 साल तक 14,000 रुपए प्रति वर्ष कैश इनफ्लो है, उसके बाद 6th ईयर में 16,000, 7th ईयर में 20,000, 8th ईयर में 30,000, 9th में 20,000 और 10th ईयर में 8,000 आपका कैश इनफ्लो आपको दिया है। ये इंफॉर्मेशन अपने को दी है और इस इंफॉर्मेशन से आपको सबसे पहले पे बैक पीरियड निकालना है। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पे बैक पीरियड जिसे हम हिंदी में कहते हैं पुनर्भुगतान अवधि, यानी जितना पैसा, जितनी रकम हम किसी परियोजना ये किसी संपत्ति को खरीदने में खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो जितने समय में हमें वापस प्राप्त हो जाती है, जितनी अवधि में हमें वापस प्राप्त हो जाती है, उस अवधि को हम पुनर्भुगतान अवधि यानी पे बैक पीरियड कहते हैं। ओके, पे बैक पीरियड जब हम लोग निकालते हैं तो हमारे सामने किसी भी प्रश्न में दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति, जब हमें प्रश्न में कैश इनफ्लो समान दिया हुआ हो। कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है? लाभ। लाभ को ही कैश इनफ्लो कहते हैं। और इनकम आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, यही कैश इनफ्लो होता है पे बैक पीरियड के लिए। ओके, तो हमें इसमें न तो कोई डेप्रिसिएशन की सूचना है, न टैक्स की सूचना है, और कोई भी जो ऑपरेटिव या जो प्रोडक्शन के खर्चे होते हैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें क्वेश्चन में सीधा कह रहा है कि कैश इनफ्लो इतना इतना है, पहले 5 साल इतना है और 6, 7, 8, 9, 10 ये कितने साल का आपका कैश इनफ्लो है, यानी अलग अलग है। तो इक्वल कैश इनफ्लो जब होता है तो हम लोग सीधा पे बैक पीरियड निकाल लेते हैं, इनिशियल कॉस्ट अपॉन कैश इनफ्लो I/C। और जब अनइक्वल कैश इनफ्लो होता है तो हमें क्यूम्युलेटिव कैश इनफ्लो निकाल के और फिर फॉर्मूला लगा के हमें पे बैक पीरियड निकालना पड़ता है। तो आइए स्टूडेंट्स, पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए, आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 3 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम जो आप बनाएंगे वो बनाएंगे ईयर का। ईयर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आपको 10 साल की सूचना दी है तो हमने यहां पे 1 से लेकर 10 तक वर्ष लिख लिए। दूसरा कॉलम जो आप बनाएंगे वो बनाएंगे आप कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लोज आपको कह रहा है फर्स्ट 5 ईयर जो कैश इनफ्लोज है वो 14,000 है, तो आपने यहां पे लिख दिया 14,000। लिख दीजिए 14, 14, 14, 14। 5 साल तक लगातार आपने 14,000 रुपए लिख दिए। उसके बाद देखिए आपको कितना दिया, 6th साल में 16,000, फिर 7th ईयर में 20,000, फिर 8th ईयर में 30,000, फिर 9th ईयर में 20,000 और सबसे लास्ट 10th ईयर में आपको दे रहा है 8,000। ओके, अब हमें हमारी जो इनिशियल कॉस्ट है यानी जो प्रारंभिक लागत है
वो है 80,000 यानी हमको 80,000 रुपए कमाने हैं और ये 80,000 रुपए हम जितनी अवधि में कमा लेंगे वो अवधि जो है उसको हम लोग पे बैक पीरियड कहेंगे। तो हम लोग इसका कम्युलेटिव कैश इनफ्लो निकालते हैं। आप लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर में जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे तो सीएफ निकालते थे, यहां पे हम लोग वो उसी तरीके से निकालना है। तो सीसीएफ कम्युलेटिव कैश इनफ्लोज, ओके। अब देखिए बहुत इजी है, पहले साल आपने कितने रुपए कमाए, 14,000, फिर दूसरे ईयर में आपने 14 और कमा लिए तो 14 और 14 ये हो गए 28, फिर 14 और कमा लिए तो आपके हो गए 42, फिर हो गए 56,000, फिर पांचवें साल 70,000, 14 की टेबल हो गई। 5 साल में आपने 70,000 रुपए कमा लिए, छठे साल आपने कमाए 16, तो 70 और 16 ये हो गए 86,000, फिर आपने कितने कमाए 20,000 कमाए, तो 86 में आप 20 ऐड कर दीजिए ये हो गए 96 और ये 1,06,000, 1,06,000 में आप 30,000 जोड़ दीजिए ये हो गए 1,36,000, 1,36 में आप 20 जोड़ दीजिए ये हो गए 1,56,000 और 1,56 में आप 8 जोड़ दीजिए ये हो गए 1,64,000, ओके। अब हमें 1,64 नहीं कमाने, हमें कितने कमाने हैं, हमें कमाने हैं 80,000। आप देखिए आपने 5 साल में 5 years में पांचवें साल आपने 70,000 रुपए कमा लिए और छठे साल आप कितना कमा रहे हैं 86, तो 86 तो हमारी इनिशियल कोस्ट से ज्यादा हो गया, हमें तो 80 चाहिए, इसका मतलब आप 6,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हो। तो अब हमें यहां पे अपना फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। देखिए पे बैक पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा कंप्लीट ईयर्स बिफोर पे बैक पीरियड, कंप्लीट ईयर्स बिफोर पे बैक पीरियड प्लस बैलेंस अमाउंट ऑफ आई मतलब इनिशियल कॉस्ट और अपॉन नेक्स्ट ईयर कैश इनफ्लो, अपॉन नेक्स्ट ईयर कैश इनफ्लो। तो कंप्लीट ईयर बिफोर पे बैक पीरियड यानी आपने 5 साल में कितने रुपए कमा लिए, आपने 5 साल में 70,000 रुपए कमा लिए, तो आप कंप्लीट ईयर बिफोर पे बैक पीरियड है 5, ओके। उसके बाद में प्लस मैंने यहां पे लिखा है बैलेंस अमाउंट ऑफ इनिशियल कॉस्ट। बैलेंस अमाउंट ऑफ इनिशियल कॉस्ट का मतलब आपको कितने कमाने थे, आपको कमाने थे 80,000, 80 में से आपने कितने कमा लिए 5 साल में 70,000 रुपए आपने कमा लिए, तो बैलेंस कितना बच गया, कितने और कमाने हैं जो बाकी हैं, 80,000 माइनस 70,000 कितने बचेंगे 10,000, तो आपने यहां पे लिखा 10,000 अपॉन नेक्स्ट ईयर कैश इनफ्लो यानी छठे साल का कैश इनफ्लो। तो स्टूडेंट्स अपन इसमें गलती क्या करते हैं, हम बहुत बार सिक्स ईयर का जो कैश इनफ्लो है वो ये सीसीएफ वाला लिख देते हैं 86, तो हमें ये नहीं लिखना है, हमें कितना लिखना है, ये जो ओरिजिनल कैश इनफ्लो आपको दिया है छठे साल का वो है 16,000, तो ये 10,000 बटे 16,000 ये 3 से 3 गए और 5 + 0.625 आ जाएगा, 5.625 ईयर्स जो है ये आपका 5.625 ईयर्स जो है ये आपका पे बैक पीरियड आ गया, यानी आप 80,000 रुपए 5.625 वर्षों में कमा लेंगे, 5.625 ईयर्स आपका पे बैक पीरियड का आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हमने अनइक्वल कैश इनफ्लो में पे बैक पीरियड कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको बताया। तो अभी के वीडियो में इतना ही, स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।